हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, इस एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को एक मुर्गी को छोटे और बड़े अंडा एक साथ सेने के लिए देने से क्या नुकसान होता है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं, इसके चार चूजे बड़े अंडे से निकले हुए हैं और ये एक छोटा चूजा है जो कि बहुत ही छोटा अंडा से निकला हुआ है। बहुत से मुर्गियाँ एक साथ अंडा देती हैं अगर आप ज़्यादा मुर्गी पालते हैं तो, और छोटे बड़े अंडे बहुत सारे आपके फार्म में हो जाते हैं। जब मुर्गियाँ अंडा सेने के लिए बैठती हैं तो एक साथ 15 या 12 अंडा जब देते हैं तो उसमें से 10 बड़ा रहता है और 5 छोटा अंडा रहता है। तो जो बड़े अंडे हैं उसमें से बड़े चूजे निकलते हैं और जो छोटे अंडे हैं उसमें से छोटे चूजे निकलते हैं। और जब मुर्गियां इधर उधर चरती हैं फार्म के अंदर में या फार्म के बाहर में, तो जो छोटे चूजे हैं वो थक जाते हैं, वो उसकी मदर के साथ घूम नहीं पाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वो छोटा चूजा बड़े चूजों से पिछड़ जा रहा है और उसकी मदर जो है उन बड़े चूजों के साथ घूम रही है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का समस्या होता है या आपके पास भी छोटे बड़े अंडे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो छोटे अंडे हैं उसको, छोटे छोटे जितने भी अंडे हैं उसको एक मुर्गी को दें और जो बड़े बड़े अंडे हैं उसको एक मुर्गी को दें, ताकि जो छोटे चूजे हैं जब वो निकलेंगे, जो अंडे से निकलेंगे उसको मदर एक साथ घुमाए, और छोटे हैं तो वो धीरे चलेंगे तो सब एक साथ धीरे चलें और एक प्रकार से रहें। और अगर आप बड़े अंडों को और छोटे अंडों को रख देते हैं तो जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, जो बड़ा चूजा है वो फास्ट चल ले रहा है, छोटा चूजा है वो नहीं चल पा रहा है। छोटे चूजों में एक समस्या और देखने को मिलता है, अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी से बीमार पड़ जाती है और बड़े चूजे हैं तो वो सर्वाइव कर लेते हैं। कोई भी बीमारी अगर आपके शेड में आता है तो वो जो छोटे और कमज़ोर चूजे हैं उसको पहले अटैक करता है, क्योंकि जो कमज़ोर चूजे हैं उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है और वो बीमारी के चपेट में जल्दी से आ जाते हैं। इसलिए मैं तो पहली बात ये कहता हूँ कि आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में अंडा उत्पादन हो रहा है तो आप छोटे अंडे को बिल्कुल सेने के लिए न दें, उससे चूजा निकलवाएं ही ना। सिर्फ जो मीडियम है या थोड़ा बड़ा साइज का अंडा है उससे ही आप चूजा निकलवाएं। दोस्तों, अगर ये छोटे चूजे ले दे करके बच भी जाते हैं तो जो बड़े चूजे निकले हुए हैं उनकी तुलना में ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो बड़े चूजे निकले हैं उनका ग्रोथ अलग होगा और इन छोटे चूजों का ग्रोथ अलग होगा। इनको आप जितना भी दाना खिलाएं उस तेज़ी से वजन इनका नहीं बढ़ेगा जितना कि एक मजबूत चूजे का शुरुआत से वजन बढ़ता है। चलिए, इस चूजा को मैं एक बार यहीं पर उसके मदर के पास छोड़ के देखता हूँ, अगर साथ में घुमाती है तो ठीक है, लेकिन ये चल ही नहीं पा रही है चूजा और उसकी मदर भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसको थोड़ा सा उस साइड लेके जाते हैं जिस साइड ये छोटा चूजा है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस चूजे के लिए और इसको मुझे बाक्स में रख करके ब्रूडिंग करना ही पड़ेगा। एक ही चूजा है, इसको मैं घर ले जाऊंगा और बॉक्स के अंदर में रख करके लाइट जला दूंगा और उसी में इसका ब्रूडिंग होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।